हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास सिक्स इंग्लिश रीडर, इसमें से चैप्टर फर्स्ट देखा था। चैप्टर फर्स्ट में क्या था? द पेंडोरास बॉक्स। उसमें से हम लोगों ने दो पैराग्राफ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें एक कैंडी जैन है, वो बहुत ही क्यूरियस लिटिल गर्ल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन करती थी, ठीक है, और क्या क्या करती थी। फिर उसके पापा एक बार उनको क्या बोल दिए थे कि कैंडी जैन, यू आर अ पेंडोरास बॉक्स, ठीक है। तो वो पेंडोरास बॉक्स बोले तो कैंडी जैन को जानते हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस गर्ल है, तो वो चली गई है किसके पास? प्रोफेसर बगल के पास। प्रोफेसर बगल्स के पास जाकर के पूछती है कि ये पेंडोरास बॉक्स आखिर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये सब क्वेश्चन करती है तो प्रोफेसर बताते हैं कि आखिर वो पेंडोरास बॉक्स क्या होता है। जो जीसस हैं उन्होंने एक पेंडोरा नाम की एक वोमेन, यानी कि एक वोमेन बनाई, जिनका नाम क्या रखा? पेंडोरा। और उन्हें एक बॉक्स दे दिया और उन्हें कहाँ उतार दिया? हमारे अर्थ पे भेज दिया। यहाँ तक हम लोगों ने उसको अच्छे से समझा था। आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। कैंडी जैन अर्ली लुक्ड एट द प्रोफेसर, पेंडोरा वॉज गिवन अ बॉक्स, सी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन इट। क्या दिया गया है कि कैंडी जैन पूछते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ली प्रोफेसर को देखती है, इसके बाद बताती हैं प्रोफेसर कि पेंडोरा क्या है। पेंडोरा तो एक बॉक्स था, ठीक है, तो पेंडोरा को एक बॉक्स दिया जाता था और ये भी बोला गया था कि सी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन इट, और उसे बोला गया था कि जो वो बॉक्स है उसे बिल्कुल भी ना खोलें, ठीक है। तो नाउ पेंडोरा वॉज गिवन मेनी गुड क्वालिटीज़, और पेंडोरा के पास क्या था? बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ था, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्यूरियोसिटी, और उसके साथ एक बेस्ट क्वालिटी ये था कि उसको क्यूरियोसिटी का भी क्वालिटी था। क्यूरियोसिटी का क्वालिटी में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जल्दी से जानने की इच्छा, ये सभी चीज़ें क्या होता है? क्यूरियोसिटी, राइट। तो इनफैक्ट सी वॉज एज क्यूरियस एज यू आर, वो क्या था, इनफैक्ट जैसे आप इतना क्यूरियस लिटिल गर्ल हो ना, वैसे ही जो पेंडोरा थी वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, ठीक है। सी वॉज सो इनसिक्यूटिव अबाउट द बॉक्स दैट सी ओपन इट, और क्या बोलते हैं, उसको बोला गया था कि इस बॉक्स को बिल्कुल नहीं खोना, लेकिन क्या है, वो जो पेंडोरा थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, इसके कारण से क्या हुआ, वो बॉक्स को खोल देती है। इसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कम ऑल द एवल इन द वर्ल्ड, और जैसे ही वो बॉक्स को खोल लेती है तो उस बॉक्स के अंदर जितने भी बुरी शक्तियाँ थी, जितने भी एवल्स थे, वो सभी पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, दुनिया में बाहर आ जाते हैं। इट इज़ सैड दैट द बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेन, और क्या है, उसमें जो बॉटम ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर में सिर्फ क्या था, सिर्फ एक क्या बचा था लास्ट में, उसमें सिर्फ एक होप ही बस बचा था। सो पेंडोरास बॉक्स, इसके बाद क्या है, सो पेंडोरास बॉक्स मीन इनवाइट ट्रबल, तो इससे यह पता चलता है कि जो पेंडोरास बॉक्स है वो क्या है, ट्रबल को इनवाइट करता है, मतलब कि जितने भी यानी कि ट्रबल्स रहते हैं, परेशानियां रहते हैं, उसको इनवाइट करने का काम क्या होता है, पेंडोरास बॉक्स कहलाता है वही। तो कैंडी जैन फिनिश्ड, कैंडी जैन फिनिश्ड प्रोफेसर बगल, तो ये सब बोल करके बता करके प्रोफेसर बगल्स इस सब को फिनिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दिया गया है, सो व्हाई डिड माय फादर कॉल मी पेंडोरास बॉक्स, आस्क्ड कैंडी जैन, तो कैंडी जैन बोलती है, तो प्रोफेसर बगल क्यों जो मेरे फादर हैं वो मुझे पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं, आपने तो कहा था कि पेंडोरास बॉक्स मतलब क्या होता है कि जो इनवाइट करना, ट्रबल को इनवाइट करना ये होता है, तो आप मेरे पापा ने ऐसा क्यों कहा था। तब क्या बोलते हैं उसको देखते हैं, वेल सी हियर लिटिल गर्ल, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, एंड दिस गेट यू इन टू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, कैंडी जैन यू कैन गेट इन टू ट्रबल इवन वेन यू आर ईटिंग। क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि कैंडी जैन तुम बिल्कुल लिटिल गर्ल हो, देखो तुम जितना सारा क्वेश्चन करते हो, हमेशा क्वेश्चन करती रहती हो, आस्किंग क्वेश्चंस, और इसी कारण से तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है, इसके कारण से तुम हमेशा किसी न किसी ट्रबल में फंस ही जाती हो। और कैंडी जैन को ये भी बोलते हैं कि जब तुम खाना भी खाती रहती हो ना, तो भी तुम किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी ट्रबल्स में घिरी ही रहती हो, ठीक है। सो योर पेरेंट्स
and everyone else never know what is going to happen next. और इसी कारण से तुम्हारे parents और बाकी कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारे साथ और आगे क्या होने वाला है. That is why your father you a Pandora's box, called you a Pandora's box. इसी कारण से तुम्हारे पापा तुम्हें Pandora's box बोलते हैं, ठीक है. That Professor Bagel, said Professor Bagel, Professor Bagel कहते हैं, ठीक. तो आपको पता चल गया Pandora's box, जो कैंडी जैन है उसको Pandora's box क्यों कहा जाता है. Now देखते हैं क्या दिया गया है. Now I understand. Are there more stories like this? Tell me some more, please. Please, Professor Bagel, Candy Jan, begged Candy Jan. तो अब Candy Jan बोलती है कि Professor Bagel, आपने जो कहा था वो मुझे समझ में आ गया है. Please, Professor Bagel, आप मुझे ऐसी और बहुत सारी स्टोरी सुनाइए ना. ये बोलते हैं, कौन बोलती है? Candy Jan, ठीक है. तो Professor Bagel क्या बोलते हैं उसको देखते हैं. I will tell you one more, and other you will have to find your own, ठीक है. Said the professor. Professor Bagel कहते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, इसके बाद आप अपना खुद का एक स्टोरी बनाना. तो Professor Bagel ये बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं. Long ago, Midas was the king of Midas, क्या दिया गया है. Long ago, Midas was the king of Persinus. ठीक है, यहाँ पर एक पेसिनस है, वहाँ पर एक राजा रहता था जिसका क्या नाम था, मेडोस. क्या नाम था, मेडोस. ही आस्ड वन कंपेनियन ऑफ डायनेसिस अ गॉड टू ग्रांट हिम द गिफ्ट ऑफ टर्निंग वट एवर ही टच्ड इनटू गोल्ड. जो मेडोस रहते हैं ना, मेडोस, वो क्या करते हैं, एक बार जो गॉड है, भगवान रहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे ग्रांट लेते हैं कि वो उन्हें गिफ्ट दे. और क्या गिफ्ट दे, कि वो जिस चीज़ को भी टच करेगा तो वो चीज़ क्या बन जाएगा, एक गोल्ड में बदल जाएगा, गोल्ड में चेंज हो जाएगा. तो मेडोस वॉज ग्रांटेड हिज विश. तो इसके बाद क्या हुआ, जो मेडोस था उसका जो विश था वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है. सो एवरीथिंग दैट किंग मेडोस टच्ड टर्न इनटू गोल्ड. तो जो भी मेडोस रहता है, मेडोस जो भी चीज़ को टच करते हैं वो टर्न इनटू गोल्ड, वो गोल्ड में क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था. ही कुड नॉट इवन ईट फूड. और इसी के कारण से जब वो खाना खाने के लिए भी अपना खाना को भी टच करता था तो क्या हो जाता था, उसको तो वो तो विश मांगा था कि जो भी मैं टच करूँगा वो गोल्ड का हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता था, वो खाना भी गोल्ड का हो जाता था, जिसके कारण से वो क्या है, खाना भी नहीं खा पाता था. Then one day his daughter touched him and he was gloomy. Jesus, what happened? क्या दिया गया है, इसके बाद एक दिन क्या होता है कि जो मेडोस, किंग मेडोस रहते हैं, वो उनसे क्या है, उनकी जो डॉटर है, बेटी है, वो टच हो जाती है. इसके कारण से उनकी जो बेटी है वो भी क्या हो जाती है, गोल्ड की बन जाती है. तब मेडोस एकदम परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, जीसस व्हाट हैपन, क्या हो गया. इसके बाद क्या हुआ, सी टर्न इनटू गोल्ड, वो गोल्ड में टर्न हो जाती है. सेड कैंडी जैन टू द स्माइलिंग, क्या दिया गया है, प्रोफेसर. वो प्रोफेसर, कैंडी जैन प्रोफेसर की तरफ स्माइल करते हुए देखती है. इसके बाद क्या हुआ, नाउ अ पर्सन हु इज ऑलवेज लकी इज सैड टू हैव द मेडोस टच, एक्सप्लेन प्रोफेसर बगल. इसके बाद आगे देखते हैं, बट प्रोफेसर व्हाट हैपन्ड टू द डॉटर, आस्क्ड कैंडी जैन. ये तो बताते हैं कि वो उनकी जो डॉटर है मेडोस किंग की, उनकी डॉटर तो क्या में चेंज हो जाती है, गोल्ड में. तो कैंडी जैन पूछते हैं प्रोफेसर बगल से कि प्रोफेसर बगल, अब आगे क्या हुआ, उनकी बेटी मेडोस किंग की जो बेटी है, डॉटर है, उनका आखिर क्या हुआ, ये पूछती है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं, क्या दिया गया है, आफ्टर मेडोस डॉटर वाज टर्न इनटू गोल्ड ही हेटेड द पावर दैट ही हैड आस्क्ड फॉर. ही प्रेयर टू डायनेसस हु टोल्ड मेडोस टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पेटल्स.
क्या दिया गया है, जैसे ही मेडोस की जो डॉटर रहती है वो क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है गोल्ड में। इसके बाद जैसे ही वो टर्न हो जाती है तो वो जा कर के अपने जो भी गॉड रहते हैं उनको जा कर के बोलती है कि गॉड जी अब हम कैसे करें, मेरी बेटी तो क्या हो गई है, वो गोल्ड में चेंज हो गई है। तो वो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट से क्या होती है, हर्ट से क्या होता है, हर्टली सैड हो जाते हैं। वेन किंग मेडोस डिड सो हिज पावर वॉश्ड अवे, और वो क्या हो जा, इसके बाद क्या दिया गया है, तो जो क्या होता है, जो किंग रहते हैं वो किंग गॉड से बोलते हैं, तो गॉड जी बोलते हैं कि तुम अपने क्या बोलते हैं जो भी पावर हो उसको किस रिवर में, पैक्टोलस रिवर में जाकर कि इसको वॉश कर देना, जिसके कारण से तुम्हारे पास जो भी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे और तुम्हारा जो पावर का जो ये है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाता है, हिज पावर वॉश्ड अवे एंड फ्लोड इन टू द रिवर, वो जाते हैं कहाँ, पैक्टोलस रिवर में, और वहाँ जाकर अपने पावर को धो देते हैं, जिसके बाद क्या होता है वो रिवर में वो धुल जाता है उनका पावर। एंड एवरी थिंग दैट मेडोस हैड टर्न इन टू गोल्ड टुक इट्स ओल्ड फॉर्म, फिनिश्ड द प्रोफेसर। और जो मेडोस रहते हैं जिस चीज़ को भी उन्होंने टच किया था वो क्या हुआ, पुराने अपने ये में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये प्रोफेसर कैंडीजेन को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है आगे उसको हम लोग देखते हैं। ओह प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ द किंग मेडोस आल्सो टेल अस दैट इट इज बैड टू वांट मोर थिंग्स देन वी रियली नीड, राइट। दिस ओल्ड स्टोरी आर सो यूजफुल फॉर अवर एवरी डे सिचुएसन, एक्सक्लेम्ड कैंडीजेन। कैंडीजेन बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है, हमारे एवरी डे सिचुएसन में हम लोग बहुत सारी नीड, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी हम अपनी क्या बोलते हैं अपने क्यूरियोसिटी के कारण से क्या करते हैं, हम लोग कुछ गलतियाँ या फिर ट्रबल में फंस जाते हैं। तो आगे क्या दिया गया है उसको देखते हैं। स्माइलिंग प्रोफेसर बगल रिप्लाइड, यस दे आर, हाँ, myths are stories about the past, sometimes they tell stories of the heroes of a culture, and sometimes they are about imaginary people or creatures through this and also the way they lived. Every culture has its own mythology. ऐसे ही अलग अलग कल्चर में अलग अलग मिथोलॉजी होता है, राइट। और देखो कोई भी मिथोलॉजी, किसी भी कल्चर की मिथोलॉजी को हम लोग गलत साबित नहीं कर सकते, सभी का अपना अपना एक अलग सा मिथ रहता है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हो वो एक न एक हद तक तो वो मिथ क्या होता है, नहीं ही रहता है। ये सब क्या है, प्रोफेसर बगल्स रिप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ सो वंडरफुल, आई वॉन्ट टू नो मोर। अब मैं ये बहुत अच्छा है, मैं इसे और बहुत सारा चीज़ें और जानना चाहती हूँ। सैड द एक्साइट कैंडीजेन एक्साइटेड होकर के बोलती है। इसके बाद क्या दिया गया है, कैंडीजेन यू गो द लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट व्हाट, क्या दिया गया है, जो कैंडीजेन को बोलते हैं कि कैंडीजेन जाती है, कहाँ जाती है, लाइब्रेरी में जाती है और फाइंड आउट करती है, क्या फाइंड आउट करती है, एक्ल्स हिल्स, और क्या दिया गया है, हरक्यूलियम इफोर्स एंड हार्ट एज हैट्स, मीन्स ये सभी चीज़ों को वो क्या करती है, फाइंड आउट करती है, ठीक है। फिर कैंडीजेन फाउंड ग्रीक मैथोलॉजी सो इंटरेस्टिंग दैट सी वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड द आंसर, और कैंडीजेन को ग्रीक मैथोलॉजी बहुत पसंद है, इस कारण से कैंडीजेन जाती है और ग्रीक मैथोलॉजी को क्या बोलते हैं फाइंड करती है, इसके बाद उसको क्या करती है, रीड करती है उस लाइब्रेरी में जा कर के, और अपना आंसर क्या करती है, पाती है।
ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आज हम लोगों ने जाना कि द पेंडोरास बॉक्स क्या होता है और पेंडोरास बॉक्स में आखिर जो पेंडोरास बॉक्स है इसमें क्या क्या दिया गया है, राइट। आगे के क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और जो वोकैब्स है उसको भी आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। कल के क्लास में हम लोग वोकैब्स देखेंगे, राइट। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड यस आल्सो कीप स्माइल। थैंक यू।